नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल गांधी को आयोग ठहराने में सिर्फ 24 घंटे लगे थे, अब देखना है कि कितनी जल्दी सदस्यता बहाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद लालू यादव के यहाँ डिनर पर पहुंचे राहुल गांधी। लालू ने राहुल के लिए खुद पकाया चंपारण का चिकन, राहुल को भी बताया कि कैसे पकाया जाता है यह चिकन। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 16 अन्य लापता हो गए, सर्च ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी, 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से सीएम शिवराज का दमोह दौरा रद्द। भारत का चंद्रयान आज शाम 7 बजे चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस प्रक्रिया को लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कहते हैं। 23 अगस्त को यान के लैंड रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। ब्रिटेन में कोविड का एक नया स्वरूप EG.5.1 अब तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यह स्वरूप ओमिक्रोन से उत्पन्न हुआ है। EG.5.1 को एरिस उपनाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, क्षेत्र में अतिरिक्त बल को भेजा गया है, सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के विष्णुपुर में देर रात हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगाई। एएसआई के अधिकारी शनिवार को भी सर्वेक्षण के लिए वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंचे। परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण में आज हिंदू पक्ष के साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड के गांव कोठार में सीएम योगी की बहन से मिली पीएम मोदी की बहन, एक दूसरे को लगाया गले, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।